बीते दिन देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर 52 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। आपको बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत रत्न लता जी को आखिरी विदाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी और इस दौरान उनका पूरा परिवार वहां मौजूद रहा। हर कोई उन्हें याद कर रहा था। जी हाँ, क्रिकेट के प्रति लता जी का प्यार जग जाहिर था। मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना बेटा मानती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की जीत के वक्त व्रत भी रखे थे। आपको बता दें कि लता जी को याद करते हुए उनसे जुड़ा एक और खेल जगत का किस्सा है। दरअसल एक समय ऐसा था जब लता दीदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक फैसले से बहुत खफा हो गई थी। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबर ने पूरे देश के साथ लता मंगेशकर को भी बहुत दुखी किया था। इस बात के आहत होकर स्वर कोकिला ने धोनी के नाम एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रिय धोनी जी, आजकल मैं सुन रही हूँ कि आप संन्यास लेना चाहते हैं। कृपया आप ऐसा मत सोचिए, देश को आपके खेल की जरूरत है। ये मेरी भी निवेदन है कि संन्यास का विचार आपके मन में ना आए। इस तरह लता जी ने धोनी के से खास निवेदन करती हुई वो नजर आई। ये कहना गलत नहीं होगा कि सुर सामग्री लता मंगेशकर जी के कंठ में साक्षात सरस्वती निवास करती थी, जिसका एहसास उनके हर गाने से होता था। अपनी सिंगिंग और बेहतरीन आवाज के दम पर लता जी ने तमाम शोहरत और दौलत कमाई। लता मंगेशकर ने अपने 7 दशक के लंबे करियर में भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता जी के निधन से पूरी इंडस्ट्री को भारी क्षति उठानी पड़ी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।